Hello students, my name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you a modern science. And today we are going to learn something and also to discuss about the kindness. आज हम kindness के बारे में जानेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि kindness क्या होती है and what are the benefits. Okay? So the meaning of kindness is दयावान. किसी के लिए अपने मन में दया रखना, किसी के साथ अगर कोई आपके साथ भी बुरा कर रहा है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम भी उनके साथ बुरा ही करें. ओके, सो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं. वंस देयर लिव्ड एन इंटेलिजेंट बॉय, हिज नेम वाज राजू. ही वाज गुड एट स्टडीज, ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स एंड मोर इंटेलिजेंट. दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. ये दो दोस्तों की कहानी है जिसमें से एक दोस्त जो है वो बहुत ही ओबीडियंट था, जिसका नाम रंजन था. ओके, एंड रंजन जो है वो अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा, अपने स्कूल का बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट. इनफैक्ट इसके साथ साथ वो लोगों के आज्ञाकारी, लोगों की बात मानता था, उनका ओबे करता था एंड वो स्टडीज में भी बहुत ही अच्छा था. He was kind to everyone. वो सबके साथ स्वभाव में भी बहुत अच्छा था. Everyone loved him very much. सब उसको बहुत चाहते थे. As we all know that, एक हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आज के टाइम पर जैसी बिहेवियर, जैसा व्यवहार हम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, हमको रिटर्न में वैसा ही स्वभाव, वैसा ही व्यवहार वापस रिटर्न में मिलता है. ओके, बट दिस थिंग कॉज जेलसी इन मैनी अदर बॉयज. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कहीं पर पढ़ाई कर रहे होते हैं या जब हम कहीं पर काम कर रहे होते हैं तो इट हैपन सो मैनी टाइम्स कि हमारे स्वभाव से कई सारे लोगों को हमारे अच्छे स्वभाव से प्रॉब्लम होती है. उसका कारण ये होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं हैं जो हमारे अंदर है. तो सेम हैपन्स विद राजन. राजन की अच्छाई की वजह से उसके स्कूल में, उसकी क्लास में कुछ ऐसे बॉयज थे जो कि उससे जेलसी फील करते थे. हु वॉन्टेड टू बी लाइक राजन, वो राजन की तरह बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पा रहे थे. सुमित वॉज राजन क्लासमेट. ही वॉज नॉट गुड एट स्टडीज एंड ऑल्सो ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. राजन का एक दोस्त था सुमित, जो कि उसका स्कूल का दोस्त था लेकिन वो बिल्कुल भी राजन की तरह नहीं था. वो जो है स्कूल में खेलना पसंद करता था पढ़ाई की जगह, एंड स्टूडेंट्स के स्टडीज़ के अलावा जो है उसे स्टडीज़ को छोड़ के सारे काम करना पसंद था. ओके, ही मिसबिहेव विद हिज पेरेंट्स एज वेल. वो अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता था. विद हिज क्लासमेट्स एंड इवन इल ट्रीटेड राजन. वो लोगों को परेशान करता था और उसके परेशान करने की वजह से वो उसकी तो इमेज डाउन होती ही होती थी बट राजन की भी होती थी. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस राजन ग्रेड्स केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर. कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो आपके आसपास के लोग कितना भी कुछ कर ले आपकी अच्छाई को नहीं मार सकते. तो राजन के साथ भी वैसी ही चीज़ थी. सुमित बहुत कोशिश करता था बट स्टिल राजन अपनी पढ़ाई में, अपने काम में इतना एक्सपर्ट था, इतना इंटेलिजेंट था जिससे उसकी स्टडीज और उसके मार्क्स दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे थे. राजन गॉट अप्रेजल फ्रॉम एवरीवन. उसको हर किसी से तारीफ मिल रही थी, उसको अप्रेजल मिल रहा था. इट वॉज हिज बर्थडे. राजन गॉट अ नाइस पेंसिल बॉक्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. एंड एज यूजुअल हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हमारा बर्थडे आता है तो वी विल गेट अ प्रेजेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता से कोई ना कोई प्रेजेंट जरूर मिलता है. आई होप आप सबको भी मिलता होगा. ही ब्रॉट इट टू बी स्कूल नेक्स्ट डे सो दैट ही कुड यूज इट. वो हर बच्चों के साथ एक उनके अंदर एक इच्छा होती है कि उनके पेरेंट्स उन्हें जो कुछ भी दिलाते हैं वो अगले दिन स्कूल में अपने फ्रेंड्स को लाके ज़रूर दिखाते हैं. सो राजन ने भी वही चीज़ की. एंड देन सुमित, व्हेन सुमित गेट टू नो दैट ही हैव अ पेंसिल बॉक्स विच इज़ गिफ्टेड बाय हिज पेरेंट्स, देन ही रियलाइज कि उसके माता पिता ने कभी उसको इस तरीके का गिफ्ट
प्रेजेंट नहीं किया। उसको रियलाइज हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इस तरीके का कुछ बर्थडे पर नहीं दिया। एंड ही गेट जेलस ऑफ ऑल दैट थिंग। उसको ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा एंड उसने क्या करा, ही ट्राई टू स्टील द पेंसिल बॉक्स। उसने अपने दोस्त का पेंसिल बॉक्स चुराने की कोशिश करी ताकि वो चीज़ उसके पास से चली जाए और उसके पास आ जाए। तो उसने क्या करा, उसने जो है लंच टाइम पे जब क्लास में कोई नहीं था, ही स्टील दैट पेंसिल बॉक्स एंड पुट इट इन हिज बैग। उसने अपने बैग में वो पेंसिल बॉक्स रख लिया और जाके लंच टाइम में दोस्तों के साथ खेलने लग गया। व्हेन राजन डिड नॉट गेट हिज पेंसिल बॉक्स इन हिज बैग, उसको जब अपने बैग में वो पेंसिल बॉक्स नहीं मिला, सो ही ट्राई टू फाउंड एवरीवेयर। उसने सब जगह ढूंढने की कोशिश की बट ही डिड नॉट गेट हिज पेंसिल बॉक्स बैग। देन ही कॉल्ड हिज टीचर, उसने जो है अपनी टीचर को बुलाया एंड इन्फॉर्म हिज टीचर अबाउट दैट। उसने अपनी टीचर को इस बारे में बताया कि उसका पेंसिल बॉक्स चोरी हो गया है। एंड एज ऑल द टीचर्स व्हाट विल दे डू इन दिस सिचुएशन, हर टीचर जो है चेक कराती है कि किस बच्चे के पास वो चीज़ है। तो जब वो चेकिंग हुई तो उस सिचुएशन में वो पेंसिल बॉक्स जो है वो सुमित के पास निकला। एंड ही स्केयर्ड, वो डर गया, उसको रोना आ गया क्योंकि उसकी टीचर ने उसको डांटा, जो कि गलत बात है। चोरी करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। भले ही कोई चीज़ आपके पास नहीं है बट उसे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती चोरी छुपे या छुप कर किसी भी चीज़ से, उसको कभी भी किसी और की चीज़ को चुरा कर अपनी चीज़ बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, सो राजन, उसकी टीचर ने उसको डांटा कि ये चीज़ गलत है। बट व्हेन राजन सी दैट सॉ दैट, कि उसको लगा कि हाँ उसका दोस्त जो है वो रो रहा है एंड ही हैव अ गिल्ट फॉर दैट, उसको अपनी गलती का एहसास है, तो उसने अपनी टीचर से एक रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ इसके लिए कोई अगेंस्ट, इस चीज़ के अगेंस्ट भी एक्शन मत लीजिएगा। व्हेन सुमित सॉ दिस थिंग एंड हिज हार्ट इज मेल्टेड, जब उसने ये चीज़ देखी तो उसको लगा कि somehow he did wrong with Rajan, उसने राजन के साथ गलत किया। बट स्टिल ही डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ ग्रजेस, ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रजेस इन हिज हार्ट। उसके दिल में फिर भी उस चीज़ के लिए कोई भी शिकायत या कोई भी गुस्सा नहीं था। एंड ही जेन्युइनली चेंज्ड हिमसेल्फ आफ्टर सीइंग दिस काइंडनेस इन राजन, वो वाकई में चेंज हो गया राजन की ये काइंडनेस को देख के। And he started studies a lot, he worked hard in studies, he started obeying to his parents. Sumit ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया और उसने अपने माता पिता का सम्मान करना स्टार्ट कर दिया। सो ही चेंज हिमसेल्फ टू सॉ द काइंडनेस ऑफ राजन, यानी उसने सामने वाले की अच्छाई को देख कर अपनी बुराई को बदला। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वी शुड नेवर बी जेलस टू अदर्स, हमें कभी भी किसी और से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। स्टूडेंट, आई जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म यू वन थिंग, इन दिस होल वर्ल्ड एवरी पर्सन हैव सम स्पेशल क्वालिटीज इन देयर ओन सेल्फ। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई है जो आपको अलग बनाती है और सबको औरों से थोड़ा अलग बनाती है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को देखकर मायूस होने से अच्छा है कि जो चीज़ आपके पास है आप उसमें खुश रहें। जेलसी फील बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि हाँ मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है और सामने वाले के पास वो चीज़ क्यों है। इन दिस यंग एज, इन दिस स्टूडेंट्स लाइफ, ऐसी चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि उसके पास वो चीज़ है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि उसके पास वो चीज़ है तो हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट फील सच थिंग्स, कभी भी ऐसा महसूस मत करिए। हाँ, अगर आप किसी से कुछ अच्छी क्वालिटीज ग्रैब कर सकते हैं, अगर आप किसी से कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो आपके लिए, आपकी लाइफ में आपके लिए सपोर्टिव हो, तो श्योरली यू कैन गो एंड डू दिस एंड नेवर बी फील जेलस विद एनीवन। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ काइंडनेस, दैट हाउ द काइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी, हैव अ गुड डे।